दीदी जा रही मायके, बाय कर दो सबको, अब एक हफ्ते तक दिखेंगे नहीं है, अब दो तीन दिन तक जाओ दीदी, बाय करो सबको, अभी बजे साढ़े तीन, कितने बजे की ट्रेन है? 5 बजे की, बाय। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या खाओ? तो सुबह सुबह ले लिया मैंने चाय, ये टोस्ट और चाय ले लिया मैंने, और कायरू की बड़ी मम्मी गई घर, मतलब सुबह 3:30 बजे उन लोग निकल गए थे। अभी तक तो ट्रेन में बैठ गए होंगे, अभी तक मैंने फ़ोन किया नहीं, फ़ोन करके पूछूंगी। और कायरू पापा जा चुके हैं ऑफिस, उनकी लंच मैंने बना दिया है। कायरू की बुआ अभी ऊपर से आई नहीं है, उनकी रोटी मैंने बना के रख दी है। तो कायरू को सुला दिया है मैंने, उठ गया था पापा के संग उनकी, और ये आई है दीदी जी चाय गर्म करने, क्योंकि मैं उठी नहीं थी इसलिए खुद मैं कायरू को सुला रही थी और फ़ोन भी चला रही थी साथ साथ। और मैंने इनकी रोटी पैक करके रखा, जब भी ऐसा होता है, जब भी मैं इनकी लंच बना, मन नहीं है रोटी खाने का, सब्जी खाने का। अरे तेरी अब तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि रोटी पैक नहीं की होगी मेरी, जब आपको पता है पत्ता गोभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती। इनकी रोटी मैंने पैक, इनकी रोटी मैंने बना के रख दिया था दीदी के लेके बनाएंगे, पत्ता गोभी तो उनकी फेवरेट नहीं है, फेवरेट क्या वो खाती ही नहीं है। और मैं बनाती क्या, मैंने सबके लिए वही बना दिया, मैंने कहा क्या अलग अलग बनाऊं, क्योंकि बड़ा वाला सिलेंडर अभी तक लग नहीं पाया, तो मुझे डर है कभी सिलेंडर ना खत्म हो जाए। तो वही पापा आ चुके ऊपर से, पापा को भी चाय निकाल देते हैं, चाय पी के फिर तुम्हें छोड़ने जाएंगे, पूछ के बताओ मुझे। तो बोतल नहीं थी एक भी पानी भरी हुई, तो मैंने भर के रख दिया बोतल, और लाल उठने से पहले सोचती हूँ थोड़ी बहुत काम करके रख दूँ, वरना परेशान करेगा आज उनकी दीदी भी नहीं खेलने के लिए। मुझे सब्जी वाले को भी फ़ोन करना है, वो घर पे दे जाता है, क्योंकि प्याज नहीं है बिल्कुल भी टोकरी में, एक ही डला प्याज, अब बिना प्याज के गुजारा चलेगा नहीं। तो मैं सोच रही कुछ कुछ सब्जी उससे मंगवा लूँ फ़ोन करके, थोड़ी देर से मंगवा लूँ, अभी तो खैर सब्जियाँ धो रहे होंगे, सुबह जाते ना मंडी लेके आते सब्जी, तो सोच रही फ़ोन करके थोड़ी बहुत सामान तो मंगवा लेती हूँ। और जब तक मैं सोच रही बर्तन वर्तन लगा दूँ कार उठने से पहले, थोड़ी बहुत काम मेरा हो जाना चाहिए, वरना तो बहुत दिक्कत करेगा काम करने में। हमें आधा रोटी दे दिए चिड़ियों को खाने के लिए, और पानी तो उनकी भरी रहती है, वे आएंगे उन लोग, धूप निकल रही है अभी धीरे धीरे, उतनी धूप निकली नहीं है। तो भाई हमारे डाकू मंगल सिंह तैयार हो चुके हैं, जा रही हैं ऑफिस। तो मैंने बर्तन बर्तन सब उठा के रख दिया है, और ये जानू का दूध है लेके नहीं गए, बॉर्नविटा डला हुआ, अब फेंकना पड़ेगा, कौन पिएगा ये दूध। और यहाँ मैंने रखा था कल दही जमा, और पता नहीं क्या इस बार क्यों मुझे लग नहीं रहा कि दही जमी है बिल्कुल भी, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लगता दही जमने की वजह ख़राब हो गई है, क्योंकि शायद मैंने ज़्यादा गर्म दूध में दही मिला था, पिछली बार तो मैंने थोड़ा मीडियम, थोड़ा सा कम गर्म था तभी मैंने डाला था, मेरा दही लग रहा ख़राब हो गया भी। कपड़े रखे तो मैं अभी लगाऊंगी नहीं, मैं थोड़ी लेट ही लगाऊंगी कपड़े, कपड़े और निकलेंगे तो, क्योंकि बहुत कम है कपड़े का अभी। बाय बुआ, शाम को मिलेंगे। मैं आ चुकी किचन में, और मम्मी लेके आई हैं, मतलब पापा लेके आए हैं अंडा, तो पत्ता गोभी कैंसिल, मतलब अभी खाना, तो कह रहे दो दो ऑमलेट बना के दे दो नाश्ता उनकी, ठीक है। तो यहाँ मैंने पापा के नाश्ता निकाल दिया है, थोड़ी पत्ता गोभी की सब्जी और अंडा और पराठा, और पराठा मैं देके आती जब तक ही। तो मैं अपनी ऑमलेट ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी पसंद है, हाफ फ्राई, और पापा मम्मी को नाश्ता दे चुकी हूँ, और अपने लिए भी मैंने पराठा बना लिया है, और लाल मेरा अभी भी सो रहा है, जब उठेगा तो उसको नाश्ता करा दूँगी, और अभी बज रहा है साढ़े ग्यारह, नहीं 11:15 हो रहा है, तो मैं नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी।
घर बहुत सोना सोना सा लग रहा है कि बच्चे दो चले गए, दीदी भी होती तो संग में नाश्ता करते हम लोग। अकेला सच्ची में दिल नहीं करता नाश्ता करने का, क्योंकि संग में रह रहे की एक आदत से हो गई है अब सब में खाना पीना। तो नाश्ता मैंने ले लिया है यहाँ पर। गोभी थोड़ी सी मेरी लग गई थी नीचे, मैं गई थी वॉशरूम तब मैं गई थी बाथरूम, तो गोभी थोड़ा सा लग गया था। तो कोई बात नहीं, खाने में अच्छा बना है, मम्मी कह रही, मम्मी खा रही। और पापा और दीदी को तो गोभी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उन्होंने दीदी तो नाश्ता लंच चले जाने की पहले ही मना कर दिया था। तो मैंने बोला कि मैंने रोटी बना दिया, और फिर जब सब्जी देखा उन्होंने तो फिर उनकी तो बिल्कुल ही ना था कि नहीं खाएंगे। और पापा को भी मैंने सब्जी दिया था, पर पापा ने नहीं खाया, ऑमलेट से खा ली, तो तीन पराठा उन्होंने, और मम्मी ने खाई सारी। मम्मी कह रही अच्छी बनी, अच्छा। और मैंने भी ले लिया है, और मम्मी पूछ रही है कि कायरू नहीं उठेगा क्या आज, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा घर सन्नाटा, एकदम सन्नाटा लग रहा है। तीन बच्चे चिल्लाने वाले और दो बच्चे चले गए, कोई तो सो रहा था, लग रहा घर में कोई है ही नहीं है। तो मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ कायरू उठने से पहले, वरना कायरू उठ गया तो नाश्ता भी मेरा रह जाएगा। तो भाई नाश्ता करते करते आ गई बारिश बहुत तेज। नाश्ता छोड़ के आई हूँ, बिन मौसम बारिश तो धूप निकल रही थी। मैं आप लोगों को बैक कैमरा में दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा बारिश बिन हालो। हमारे लाल उठ चुके हैं, उठ के इनकी शैतानी चालू है। टॉफ़ी ले लिया उन्होंने, टॉफ़ी खा रहे, दादी लेके आई थी। और बेडशीट चेंज हो गई क्योंकि उन्होंने सुसु कर लिया है। और यहाँ मैं लगाना चाह रही हूँ सबसे पहले कपड़ा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि आज कपड़ा लग रहा है घर में डालना पड़ेगा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश तो हो रही, कितना नहीं चलना पड़ेगा, बिजली तरक रही है। तायरू देखो कैसे बारिश हो रही है, बारिश में नहाओगे बेटो? आज तो तुमको नहलाएंगे भी नहीं। तो पापा भी नाश्ता पानी करके जा चुके हैं ऊपर। ये बेडशीट तो चेंज करूंगी नहीं, साफ ही है। पहले कपड़े लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद बर्तन धोने जाऊँगी। तो मशीन मैंने लगा दिया है, मैं कपड़े होता रहा, जगह हो गई तो बेडशीट डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। तब तक मशीन पानी ले रहा है, ठीक है। मैं बाहर से कपड़े उठा के लाई, कल थोड़ी बहुत गीले थे क्योंकि कल से धूप निकल नहीं रही। तो अभी भी मैं सोच रही घर में डाल दूँ, क्योंकि मेरे तो बदबू करेगा। अकेले ये बोर हो रहे, सोच रहे कि क्या करूं क्या करूं, घोड़ा निकाल के दे दूं आपको। यहाँ तो कायरू की शैतानी चालू है और चालू ही रहेगी। और यहाँ मैंने बेडशीट झाड़ दिया है, झाड़ के मैंने बिछा के फिर तकिया वकिया रख दिया, इन्होंने फेंक दिया था एक बार। और यहाँ कपड़ा ड्राई करेगी लास्ट में। और ये वाला बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, इनके गुड्डा गुड़िया को इनको सुला के गई थी मैं, और फिर इन्होंने उठा दिया है ना कायरू। आज भाई मेरे बच्चे ने काम करा, मेरे लाल ने भी मम्मा के साथ। अब ये कटोरी बटोरी शेड, मम्मा के साथ कैसे कटोरी बटोरी शेड किया है ना बाबू ने, बता दो सबको। और फिर इसे दूर रहो, बात सुनो, नाश्ता करोगे आप? कायरा अब नाश्ता कर ले तो क्या हो जाए भाई। मैंने गैस व्यास और किचन साफ कर दिया है, बर्तन भी धो के रख दिया है, मैंने सिंक भी माँज दिया है, बॉटल भी भर के रख दिया है। तो किचन के काम तो ख़त्म होता है मेरे। और सोचा दोपहर में बनाऊँगी मटर पुलाव, तो दोपहर में मटर पुलाव बनाऊंगी। तो अभी तो उतना काम नहीं है, अभी बस 1:30 बजने वाला है। सारे काम हो गए, बस झाड़ू पोछा के रह गया। तुम ये झाड़ दोगे? पैदान सारे झाड़ दोगे आप बाहर? बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, मौसम कहीं जाना नहीं, यही रुकना ठीक है। आज मम्मा आपको ढूंढने नहीं निकलेंगे। बिजली कड़क ही रही है इस टाइम, तो बस ऐसा लगता है कि गरम गरम पकौड़े मिल जाए, है ना कायरू? बच्चा मेरे साथ काम करा रहा, मम्मा के संग। मम्मी लेके आई थी नया झाड़ू कल, संडे को अक्सर लेके आती मम्मी।
और संडे को लाना ही ठीक रहता है। कायरो मम्मा को तो दे दे बेटा। झाड़ू मैंने मार लिया है, लगा दिया है मार रही वाली, और यहाँ पर मैंने धुलाई कर दिया। बारिश बारिश होती है तो मैं ये वाला रेलिंग वगैरह भी धो देती हूँ, क्योंकि बारिश होती है वरना तो नीचे पानी बिल्कुल नहीं जा सकता। और चिड़िया को पानी वानी दे दिया मैंने। मैंने ले लिया डस्टिंग का कपड़ा, अब मैं करूँगी डस्टिंग। तो हमारे घर आ चुके रामू काका डस्टिंग करने वाले। रामू काका शक्ल तो दिखाओ। ओफो, ये रामू काका चश्मा लगा के आते हैं क्या? ओ कायरू कहाँ गए, कहाँ भागे, डस्टिंग नहीं करोगे? कहाँ चला गया? चला रामू काका मैं हो चुकी नहा के रेडी, और घर की काम भी हो चुका है। मेरे लाल को भी मैंने रेडी कर दिया है। लाल को रेडी करने के बाद उन्होंने बहुत परेशान किया मुझे। ये मेरा पंखा चालू कर दिया क्योंकि मम्मी की सूट सूख रहा है इस रूम में, और बारिश रुकने का नाम नहीं दिया। मौसम थोड़ा सा तो खुला है, थोड़ा सा धूप निकलना चालू है, लेकिन बारिश भी हो रहा है। कपड़े ज़्यादातर मैंने पीछे ही डाले, और दो चार ये बच्चों के कपड़े और इनकी शर्ट वो मैंने आगे डाले। कहाँ डालती, वॉशिंग मशीन में पड़ा रहता तो बदबू करता, तो मैंने कैसे बेहतर कि भारी डाल देती हूँ। जैसा भी होगा, चाहे सूखेगा या गीला होगा तो भारी रहेगा। और मैंने अभी तक खाना कुछ बनाया नहीं है, खाने बनाऊँगी आज मटर पुलाव थोड़े से, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। पापा ऊपर ही, पापा नहीं आए अभी तक। और कायरू को मैंने अभी पराठा बना के खिलाया नहीं क्योंकि खा नहीं रहा था वो, तो मैंने कहा मटर पुलाव खिला दूँगी। कायरू की मस्ती चालू। कायरू कायरू के फेवरेट सॉन्ग दादा आगे लग रहा अभी अकेला था तो बोर हो रहा था, अभी तक गाना चला रही मैं। दादी चीजें लाइन तो ब्रश करना सुबह ओ कायरू को ब्रश कायरू पता क्या कह रहा था मम्मी, अभी अकेला था तो कहता ओ बचाओ। दादी चीज लाई तो ना खाने ना करने, बस फेंकने हो ना जूस और कुछ नहीं। और ये आया कायरू की न्यू ब्रश फर्स्ट टाइम। कायरू टी घिसेगा कि नहीं घिसेगा? कायरा चॉकलेट भी दिया अभी तो मैंने बनाए मटर पुलाव, और आप लोग इसको दर्शन कराते हैं। हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रहा है, पानी आ गया मुंह में तो। चलो भैया खाना दे दे पहले पापा को, कायरू को भी खिला देते हैं। खाना मेरे कायरू ने नहीं खाया, और थोड़ी मैंने खाना मतलब मैं खाना खा रही थी तो मटर मटर खा रहा था, तो मैंने थोड़ी सी कंट्रोल में मटर दे दिया, थोड़ी सी चावल दे दिया। अगर खाएगा तो ठीक है, वरना तो ज़्यादातर लगता वेस्ट ही करेंगे। और दादी ने मतलब मम्मी ने खाना खाया नहीं है, मम्मी के चाय दे दिया था मैंने गर्म करके बना के, तो ये गर्म करके पापा को दे दी चाय, क्योंकि पापा ने खाना अभी खाया थोड़ी देर हुआ तो मैंने भी खा लिया। जैसे पापा को खाना दिया तो मैंने भी खाना खा लिया, कायरू ने नहीं खाया तो मैंने कहा कि खाना का टाइम वेस्ट करूँ खा लूँ। सिलेंडर आ जाए तो मैं गैस भी चेंज करूँ, ये भी गैस खराब ही हो रहा है मेरा। पापा को चाय देके थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, बस कितना रहा, 5 बजने वाला है। आज बड़ी जल्दी चाय बन जा रही है, और मटर पुलाव बनने खाने जैसे बन दिखने में तो टेस्टी है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ, मज़ा आ गया आज खाना खा के। और अचार जो मम्मी के यहाँ से लाई थी मैं, वो अचार भी बहुत टेस्टी है। तो मम्मी के हाथों की बात ही अलग होती है, खैर कितना भी बना लो मम्मी जैसे कोई नहीं बना पाता। तो अचार वैसे तो मम्मी नहीं बनाती, बहुत ही मुश्किल से बनाया था, क्योंकि खाने वाले कोई है नहीं, मम्मी लोग दो लोग हैं। तो मैं गई थी तो मुझे दे दिया था, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा अचार वचार खाते लोग,
मैंने कहा चलो ठीक है ले चलती हूँ तो अचार, मुझे लगता नहीं है कि दो पे तो चलेगा, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी बहुत अचार खाती है। मटर पुलाव रख दिया मैंने दीदी के लिए, दीदी आके खाएगी ऑफिस से, उन्हें मटर पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो पापा की चाय मैंने निकाल लिया है, मैं देके आती हूँ। पापा को चाय देके आ गई हूँ, मैंने भी ले लिया चाय, मैं पी लेती हूँ। अभी मैंने रखा सो रहा है अभी, और अभी बज रहे 6:30 बजे। हमारे कहने पापा आ चुके हैं, मैंने इनसे सब्जी मंगवाया था जो कि सुबह मंगवाने वाली थी, तो बारिश हो रहा था तो नहीं। आलू तो काफ़ी छोटे छोटे आ गए, चलो कोई बात नहीं। वो घंटे से लाइट नहीं आ रही है और इन्वर्टर भी टू टू बोलने वाला है, क्योंकि नीचे का फिर ऊपर का भी कवर करता ही है। और कारी पापा लेके आए चाउमीन, पहले मैं करूँगी पूजा, उस पहले पूजा उसके बाद पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा है ना। तो इस रूम की लाइट जला दिया था मैंने, और कपड़े तो मैंने आज एक भी नहीं उठाई, क्योंकि कपड़े गीले ही है तो उठाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बारिश अब तो नहीं हो रही, बारिश तो रुक गया था, फिर दोपहर 3:30-4 बजे करीब बारिश रुक गया था। मौसम हो गया ठंडा, चिल्ड चिल्ड ठंडा पानी आ रहा है। पहले मैं करती हूँ पूजा, उसके बाद देखती हूँ शाम को क्या तैयारी होती है। तो आज पूरा दिन से कैरी पापा भी दिखे आप लोगों को, जाते भी नहीं दिखे थे ना सुबह आप लोगों को, हाय तो कर दो सबको एक बार। मैं 24 घंटा मम्मी से या तो कैरी पापा से या तो बच्चों से हाय जरूर करवाती हूँ आप लोगों को। कैरी को उठा दीजिए वरना ना ये शाम को तांडव करेगा, शाम को कैरी रात को सोएगा नहीं फिर वो। पूजा कर लो उसके बाद उठाऊंगा। हाँ मैं पूजा कर, तो ये पूजा मैंने कर लिया है। जो सब्जियाँ लेके आए थे वो तो मैंने पहले धो दिया था, और बर्तन लगा देती हूँ मैं, बर्तन फैला। दोपहर के बर्तन भी आज मैंने माँजा नहीं था, मैंने कम बर्तन है बाद में माँजूंगी। और चाय तो एक और बार बनेगी क्योंकि दीदी आ चुकी हैं। चाउमीन निकाले कर वो, पहले दीदी से पूछ रहे थे चाउमीन खाएंगे कि नहीं खाएंगे। चाउमीन खाओगे दीदी? और चाय? क्योंकि चाय एक बार पी चुके हैं हम लोग, तो सिर्फ हम दोनों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं एक और बार पी रही हूँ तुम्हारे साथ, ठंडा मौसम है ना इसलिए चलेगा। गरीब लोग मोमोस कहाँ से खिला दे, मोमोस मिलती है 34 में। चौमिन ले गए, चौमिन खा लेना। बाप बेटे दोनों बैठ गए चौमिन खा रहे। ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो। कायरू मामा की तरफ देखना एक बार बेटू, चौमिन क्या है कुछ देखेंगे ये। कायरा कायरू बाबू चौमिन क्या है कुछ नहीं देखेंगे। चौमिन का रेस लगे भाई, किसी से छोड़ किसी के लिए छोड़ेंगे कि नहीं, दोनों खाएंगे हैं। ओ हम लोगों को नहीं दोगे क्या? हमें भी चाहिए चौमिन पे, टूट नहीं पड़ो कायरू। तो भाई चौमिन का विजेता है कायरू, क्योंकि उनके पापा हट चुके हैं, है ना? पापा हट चुके हैं बेटा, ठीक है क्या बेटा के आगे हारना। चाउमीन से मम्मी हटना नहीं चाह रही है, हटना पड़ा क्योंकि मम्मी को फेवरेट है चाउमीन, मोमोस, गोलगप्पे। मोमोस मेरे छीन रही है लेडीज, मोमोस मेरे छीन रही है, मोमोस सिर्फ मेरे ही फेवरेट थे इस घर में, शुरू से सिर्फ मैंने ही मोमोस खाए। अच्छा हम लोग ने दे दे कुछ, मैंने ही लोगों को लाला खाना सिखाया। देख रहे आप कैसे, हाँ चल चले जाओ जाओ, 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकती हैं वो भाई, एक प्लेट तुम्हारी एक प्लेट हमारी, ठीक है तभी जाएंगे हम। तो 100 रुपये से मैं आ जाएगी। इनके पास मोमोज खाने के भी पैसे नहीं है, बेचारी बोलने में शर्म आ रही, किसी के पास हो तो प्लीज डोनेट कीजिए इन्हें 100 रुपये, 100 रुपीज बस। अच्छा ठीक है, जब उनके पास बहुत पैसा वो देना नहीं चाह रही है ना। भैया जा रहे हैं, सालों बीत गए सचमंडी के मोमोस खाने में, ऐसा मन कर रहा ना कि क्या बोलूं, ऐसा कैसा मन कर रहा है आंटी को जैक मारोगी। मेरे को तो मोमोस दिन होते हैं, बस उन्हीं का मोमोस खाने का दिन करता है। वैसे उनका मोमोस होते भी टेस्टी है,
ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी, एड्रेस बताऊंगी, आप लोग प्लीज जाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। ज्यादा दूर नहीं, 34। अगर यहाँ के लोग देख रहे होंगे तो जरूर जाएंगे, क्या पता लोग जाते भी होंगे। यस। पन्नी नहीं बेटू, भैया नहीं पापा लेके आए सब्जी, लेके आए कह रहे, देखे गए क्या ये चिकन का कीमा है ना कर पापा। यस डू, चाहो तो आप वो बना सकते। कोफ्ते चिकन के, पर मैं बनाऊंगी नहीं। रेसिपी एक वही है जो आपने वही डाल दिया। क्यों चिकन कीमा तो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, चिकन की रेसिपी डाला था। माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, आपसे नहीं गलती। बजाज एक्टिव, बजाज का एक्टिवेट हो जाता है ना। तो वही मेरा चाय तो बन चुका है दूसरी बार, और ये सब्जी का तैयारी भी हो रही है कि चिकन कीमा। उदास क्यों हो? जान दीदी क्या ला रही है? थैंक यू सो मच। दीदी क्या ला रही है? तो फोन कर लो, वीडियो कर लो। फिर तो खाना निकाल के दे दिया मैंने मम्मी को और कायर को, खाना उनकी बुआ खिला रही है। और यहाँ मेरी, क्योंकि कभी मैंने कायर बाबा को खाना दिया नहीं है, और पापा भी बैठे हैं, पापा भी थोड़ा लेट खाएंगे खाना कह रहे हैं, तो मम्मी को पहले दे दिया क्योंकि उन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था। मैंने कहा मम्मी तुम खाओ जब तक। तो मैं अपनी ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।